अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं हूं सादिया और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर रहिएगा क्योंकि पैसों से ख़रीदी हुई चीज़ का फेक रिव्यू कभी नहीं होता। तो इसीलिए इत्मीनान रखिएगा कि आज मैं फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं मिस रोज़ के नेचुरल फाउंडेशन के कॉम्स और प्रॉन्स। तो चलिए बात करते हैं अब मिस रोज़ के फाउंडेशन के बारे में कि ये कैसा रहा, क्योंकि इस मिस रोज़ के फाउंडेशन को मैंने पहले यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद ही मैं इसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। तो इसको मैंने यूज़ किया है तकरीबन एक महीना और इस पूरे एक महीने में मैंने इसको फुल डे लगा के भी रखा है, इसको मैंने हाफ डे लगा के भी रखा है, इसको मैंने प्राइमर के साथ भी यूज़ किया है, इसको मैंने विदाउट प्राइमर भी यूज़ किया है, इसको मैंने ब्रश के साथ भी यूज़ किया है, इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी यूज़ किया है। और आज मैं आपको सारी बातें ये डिटेल में बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगी इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग आप लोग जो हैं वो इसकी देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स टाइप है, ठीक है, ये एक बॉक्स है और इसके पीछे इन्होंने सारे जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मेंशन कर रखी है और इसके पीछे इन्होंने एक्सपायरी भी बताई हुई है कि इसकी एक्सपायरी है 12 मंथ्स, मींस कि आप इसको 1 ईयर तक जो है वो यूज़ आराम से कर सकते हैं और 1 ईयर तो ये आराम से ऑलमोस्ट चल जाएगी, ठीक है जी। अब मैं अगर इसकी पैकेजिंग की अंदर से बात करूँ कि ये कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ग्लास बॉटल है। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अगर ये बॉटल टूट गई तो मैस हो सकता है, ठीक है जी। अब मैं इसके शेड के बारे में बात करूँगी, तो आप शेड इसका देख सकते हैं, शेड इसका है बेज 2, जो कि मेरा अपना शेड है, मैंने अपने शेड के लिए थी ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। अच्छा जी, अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये ड्राई स्किन के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए है या ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, तो ये जो है वो ऑल स्किन टाइप है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उनके लिए नहीं है। अगर ऑयली स्किन गर्ल इसको अप्लाई करती हैं तो उनको इसके साथ जो है वो लूज़ फेस पाउडर की ज़रूरत पड़ सकती है और बार बार टचअप की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि जो टी जोन एरियाज़ हमारे होते हैं वहाँ पर इसको अप्लाई करने के हाफ आवर या 1 आवर बाद ऑयल आ जाता है। तो मेरी भी ऑयली स्किन है, तो जब मैंने इसको फुल डे के लिए अप्लाई किया था तो मेरे टी जोन एरियाज़ पर ऑयल आ गया था, जिसकी वजह से मुझे बार बार फेस पाउडर की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसीलिए मैं ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए समर्स में तो बोलूँगी नॉट रिकमेंडेड। हाँ, आप विंटर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अब आगे समर्स आ रहे हैं तो ये ऑयली स्किन गर्ल्स ना यूज़ करें, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी बात करती हूँ मैं कि ये है मेड इन PRC है ये, ठीक है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इसका बहुत खूबसूरत सा पंप दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा इसका पंप है ये, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, रनी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं है, ठीक है जी। देखिए, जहाँ पर है वहीं पर ये स्टक हुआ हुआ है, ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहा, तो इसकी कंसिस्टेंसी रनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। कहा जाता है कि ये मैट फाउंडेशन है, बट इट इज़ नॉट मैट, ये शाइन देता है आपकी स्किन पे। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो लोग इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, फेस पे जाके बहुत खूबसूरत से शाइन देता है। ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली है उनका 1 घंटे बाद फेस जो है वो थोड़ा सा केकी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल समर्स में नहीं होगा, विंटर्स में हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ मेबेलिन का जो हमारा प्राइमर है इसके साथ, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसको अप्लाई करके कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह की हो सकती है। तो यहाँ पर मैं पहले प्राइमर लूँगी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्राइमर है मेबेलिन का,
और क्योंकि इससे मुझे बिल्कुल भी पिंपल्स नहीं होते, बम्स नहीं आते, तो ये बहुत अच्छा लगता है अप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पर मैंने इस ज़रा सा जो प्राइमर है वो ले लिया है और अब मैं इसको अपने पूरे हैंड पर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। विदाउट प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस विदाउट प्राइमर इसके साथ ऐसा रहा है, और फुल डे लगाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा रहा है कि मेरे फेस पर जो मेरे चीक्स हैं और जो मेरा फोरहेड है वहाँ पर मुझे पिंपल्स आ गए थे, वाइट हेड आ गए थे। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा इसके साथ। हाँ, थोड़ी देर की बात करें तो आप थोड़ी देर इसको लगा सकते हैं। चलिए, तो अब आपने यहाँ पर इस तरह इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा शेड है, ठीक है जी। आपने अपने ही शेड का लेना है या अपने शेड से एक टोन आप लाइटर ले सकते हैं, बट बहुत लाइटर नहीं लीजिएगा वरना वो ग्रे हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्मूथली जो है अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप फिंगर से भी इसको अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूँगी। और जब भी आपने फाउंडेशन बाय करना होता है तो अपने हाथ पे लगा के बिल्कुल भी चेक मत किया करें, अपने फेस पे लगा कर चेक किया करें। वहाँ पर टेस्टर्स होते हैं, आप टेस्टर लिया करें, इत्मीनान से वो चेक किया करें और तभी बाय किया करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे सेकंड भी नहीं लगे और मेरी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुकी है। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, ये इसका रिज़ल्ट है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं डिफरेंस, ये देखिए एक ही हाथ पे मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस, ठीक है जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा शाइनी लगता है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ज़्यादा ये शाइनी लग रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी ना तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा कॉम्पैक्ट के साथ, ठीक है। तो ये ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए रिकमेंडेड है, बहुत ज़बरदस्त है ड्राई स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वाले इसको लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट ज़रूर लगाइएगा, प्राइमर ज़रूर लगाइएगा और उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और अगर कहीं लगा के जाएँ तो कॉम्पैक्ट बैग में साथ रख कर लेकर जाइएगा, तो ही आपकी बात बनेगी, ताकि आपका जो फेस है वो ऑयली ना हो ज़्यादा, केकी ना लगे, ठीक है। तो यही था आज का मेरा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।